subscribe, and turn your notifications on. पीनियल कोड का चैप्टर 4, जनरल एक्सेप्शंस। इनमें कुछ लोगों को क्राइम करने के बावजूद भी छोड़ दिया जाता है और उनको छूट दी जाती है। ये लोग कौन है और इनको क्यों छोड़ दिया जाता है और इनको छोड़ देने की वजह क्या होती है, इस पे हमारे मुल्क का लॉ क्या कहता है, हम इस वीडियो में अब यही देखेंगे और इस सेक्शन पे भी यही देखेंगे। सेक्शन 99 एक्ट अगेंस्ट विच नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन एक्ट विच डज नॉट रीजनेबली कॉज द एप्रीहेंशन ऑफ डेथ और ऑफ प्रीवियस हर्ट इफ डन और अटेम्प्ट टू बी डन बाय अ पब्लिक सर्वेंट एक्टिंग इन गुड फेथ अंडर कॉलर ऑफ हिज ऑफिस थ्रू दैट एक्ट may not be strictly justified by law. There is no right of private defense against an act which does not reasonably cause the apprehension of death or of grievous hurt if done or attempt to be done by the direction of a public servant acting in good faith under color of his office through that direction may not be strictly justified by law. There is no right of private defense in case in which there is time to have a recourse to the protection of the public authorities. The extent to which the right may be exercised, the right of private defense in no case extend to the inflicting of more harm than it is necessary to inflict for the purpose of defense. मतलब ये कि public servant के act के खिलाफ, यानी कि जो वो act करते हैं उसके खिलाफ आपको कोई self defense नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर एक शर्त है कि ऐसा एक्ट जो पब्लिक सर्वेंट करता है और उस एक्ट से कोई ऐसा डर या खतरा नहीं होता जिससे किसी की जान चली जाए या फिर उसको सीरियस चोट पहुँचने का डर हो जिसके खिलाफ वो एक्ट हो रहा हो, और ऐसे में अगर वो सरकारी नौकर ऐसा एक्ट करता है या करने की कोशिश करता है तो आप उसके खिलाफ कोई सेल्फ डिफेंस नहीं कर सकते, और वो ऐसा एक्ट अच्छी नीयत के साथ करता है और अपने ऑफिस टाइमिंग पर करता है और अपनी कानूनी ड्यूटी के अंदर करता है, मतलब कि अपने ऑफिस आवर्स में करता है और अपनी कानूनी ड्यूटी के अंदर करता है, तब आप अपना राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस एक्सरसाइज नहीं कर सकते। दूसरी चीज, अगर किसी पब्लिक सर्वेंट के ऑर्डर पर कोई पर्सन एक्ट करता है या कर रहा होता है या करने की कोशिश करता है तो ऐसे किसी एक्ट के अगेंस्ट आप अपना राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस एक्सरसाइज नहीं कर सकते। मतलब कि अगर पब्लिक ऑफिसर किसी को इंस्ट्रक्शन देता है कोई काम करने के लिए तो उस एक्ट के खिलाफ आप कोई राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस एक्सरसाइज नहीं कर सकते। और थर्ड चीज, There is no right of private defense in case in which there, और हाँ उन केसेस पे भी आप अपना right of self defense exercise नहीं कर सकते जहाँ पर आपके पास enough time हो कि public authorities, मतलब कि police या किसी भी authority के पास पहुँचने का और उनको complain देने का और उनकी protection और उनसे defense मांगने का, ठीक है। और extend to which और right of private defense आपको अलाउ नहीं करता कि आप किसी को ज़रूरत से ज़्यादा कोई चोट पहुंचा दें। सेक्शन 99 पे प्राइवेट डिफेंस के ऊपर कुछ लिमिटेशन लगाई हुई हैं और कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई हैं। इसका मतलब है कि नॉर्मली जनरल पब्लिक को नहीं पता कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है क्या। अब आपको नहीं पता, आप पब्लिक सर्वेंट आया आपके पास ऑर्डर लेके, फॉर एग्जांपल आपकी प्रॉपर्टी है, आपने इंक्रोचमेंट की हुई है, उसको हटाने के लिए आए हैं, तो आप राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस एक्सरसाइज नहीं कर सकते पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ। आपको पुलिस वाले ने कोई थप्पड़ या चपेट मारी है तो आप राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस एक्सरसाइज नहीं कर सकते जब तक आपकी जान जाने का खतरा ना हो या आपको कोई सीरियस चोट का खतरा ना हो। फॉर एग्जाम्पल अगर तो पुलिस वाला कोई लाठी या गन से आपके ऊपर फायर कर रहा है, ठीक है,
और तब आपके ऊपर आपको लग रहा है यहाँ पर खतरा है मेरी जान जाने का, तब आप अपना राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस एक्सरसाइज करेंगे पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ। सेक्शन 99 पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ लिमिटेशन हैं, ये चार लिमिटेशन हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। वैसे तो राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस आप हर एक ऊपर एक्सरसाइज कर सकते हैं, यानी कि पागल के ऊपर, बच्चे के ऊपर, किसी शराबी के ऊपर, किसी इंसान के ऊपर भी आप अपना राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस एक्सरसाइज कर सकते हैं। बट ये चार रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये बहुत ज़रूरी हैं, ये बस दिमाग में होनी चाहिए। पहली चीज़ है कि एक्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट, आप पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज, एक्ट डन ऑन द डायरेक्शन ऑफ पब्लिक सर्वेंट, अगर तो कोई कोर्ट है उसने डायरेक्शन दी है किसी ऑफिसर को, जाओ जाके वो शादी हॉल तोड़ दो, जाके वो घर जाके तोड़ दो, गिरा दो, तो तब भी आप अपना राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं। हाँ, पब्लिक ऑफिसर जो है एक्टिंग इन गुड फेथ अंडर कॉलर ऑफ हिज ऑफिस, अंडर कॉलर ऑफ हिज ऑफिस का मतलब है कि वो ऑन ड्यूटी हो, ऑन ड्यूटी वो काम कर रहा हो अपनी यूनिफॉर्म पे, जैसे कि पुलिस है वो ऑन ड्यूटी और अपनी यूनिफॉर्म पे काम कर रही हो, विदाउट यूनिफॉर्म है तो फिर ये उनको पुलिस वालों को प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। तो आप अगर कोई विदाउट यूनिफॉर्म आपके सामने खड़ा हुआ है और आपको पकड़ने की कोशिश कर रहा है या आपसे बदतमीजी कर रहा है, तो आप उसको एज अ एक नॉर्मल पर्सन लें और अपना राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस कर दें, ठीक है। अगर वो आपको कुछ पेड़ मारने की या कोई पंच मारने की कोशिश करता है तो आप अपना राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस एक्सरसाइज करें। बट अगर तो वो यूनिफॉर्म में है, अगर तो वो यूनिफॉर्म पे है और अपनी ड्यूटी में है और अपने ऑफिस टाइमिंग पे वो काम कर रहे हैं, तब यहाँ पर एक लिमिटेशन है, तब आप अपना राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस एक्सरसाइज नहीं कर सकते जब तक आपकी जान जाने का खतरा ना हो और जब तक आपको कोई ऐसी सीरियस चोट पहुंचने का खतरा ना हो, कि जैसे फॉर एग्जांपल कि पुलिस ऑफिसर आपके ऊपर फायरिंग करने लगे, या फिर दूसरी चीज़ है कि आपको लाठियों से वो मार रहा हो, कि आपको कोई सीरियस चोट पहुंचे, आपकी कोई हड्डी पर टूट जाए, उस सिचुएशन में आप करेंगे। अदरवाइज पब्लिक सर्वेंट के लिए उन्होंने लिमिट रखी कि पब्लिक सर्वेंट अगर इस लिमिट पे जाएगा तब आप अपना राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस एक्सरसाइज करेंगे। अगर पब्लिक सर्वेंट आपकी जान लेने की कोशिश करेगा या आपको कोई सीरियस चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा तब आप अपना राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस एक्सरसाइज करेंगे। अदरवाइज अगर पब्लिक सर्वेंट आपको कोई कोई थप्पड़ मार रहा है या कोई पंच मार रहा है तब आप नहीं कर सकते अपना राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस। ये सेक्शन 99 ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी है। व्हेन पर्सन हैज टाइम, थर्ड पॉइंट, व्हेन पर्सन हैज टाइम टू रिकोर्स टू पब्लिक अथॉरिटीज, और जब आप तब भी अपना राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल कि आपको किसी ने धमकी दी है मैं 3 घंटे बाद आके तुम्हें जान से मार दूंगा, तो आप वेट नहीं करेंगे, आप फौरन पुलिस को कॉल करें कि इस तरह से धमकी आई है ये वो, और आप उनको बताएं, इन्फॉर्म करें, सही हो गया। और उसके बाद अगर कोई चोर है, आपको लग रहा है कि कोई चोर एंटर हुआ है और आपके पास इतना टाइम है कि पुलिस ऑफिसर को कॉल करें, तो आपको कॉल करनी चाहिए, आप फौरन कॉल करें। और बाद में अगर आपको लगता है कि अब वो ज़्यादा घर के अंदर एंटर हो गया और अब मैं अपना राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस एक्सरसाइज करूँगा, तो आप गन फिर लोड करके फिर अपना राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस एक्सरसाइज करें। तो अगर जब जब टाइम है तो आप पब्लिक अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म कर दें। और हाँ, यहाँ पर ये फैक्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर तो मेरे ऊपर अटैक हो गया तब मैं ये नहीं सोचूंगा कि मैंने फ़ोन करने हैं, तब मैं फ़ौरन ही अपना सेल्फ डिफेंस करूँगा। ये कुछ सिचुएशंस में है, डिपेंड करते हैं कि फैक्ट ऑफ द केस के हैं, ठीक है। क्या अगर तो मेरी कोई गाड़ी चोरी करके लेके भागने ही वाला है तो मैं पीछे से फायर करूंगा, जाहिर सी बात है पुलिस को कॉल थोड़ी करूंगा। ये सिचुएशन और फैक्ट ऑफ द केस के ऊपर डिपेंड करता है।
right of private defense do not allow you to give more harm than necessary. और आप यूं भी नहीं कर सकते हैं, जैसे एक केस था उसके अंदर वो देहाती आ रहे थे सोटियां लेके बंदे को मारने के लिए, उसने फायर की अपनी सेल्फ डिफेंस पे, वहां पर एक बंदा मर गया। अब वो भाग रहे हैं देहाती भाग रहे हैं, ठीक है, तो आपका राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस वहां खत्म हो गया है, ओवर हो गया है, क्योंकि अब आपके ऊपर कोई अटेम्प्ट नहीं कर रहा मारने की या कोई हमला करने की, अब वो तो अटेम्प्ट खत्म हो गई, वो तो भाग रही है अटेम्प्ट, ठीक है, लोग भाग रहे हैं, तो पीछे से उस बंदे ने क्या किया, भागा भागा गया और दो लोगों को और गोलियां मार दी। तो वो जो दो लोगों को मारा उसने, वो राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस पे नहीं आएगा, उसको वो मर्डर के चार्जेस लगेंगे उसके ऊपर। सेल्फ डिफेंस पे सिर्फ वो ही आएगा जब वो देहाती आ रहे थे उनमें एक बंदा मर गया, जब वो भागे तब आपका राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस ओवर। इधर एक एग्जाम्पल है, इट इज डिसाइडेड वेयर पुलिस ऑफिसर एक्टिंग इन गुड फेथ अंडर कॉलर ऑफ हिज ऑफिस अरेस्ट विदाउट अथॉरिटी पर्सन हैज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। सिंपल सी यहां बात की है कि जब पुलिस ऑफिसर ऑन ड्यूटी होगा और एक्टिंग इन गुड फेथ आपको अरेस्ट कर रहा है तो आप अरेस्ट हो जाए, ठीक हो गया। अगर वो आपको कोई चपेट या कोई आपको पंच या थप्पड़ मारता है तो आप यानी कि गुस्से से अपना सेल्फ डिफेंस नहीं कर सकते उसके खिलाफ, क्योंकि यहां पर लिमिटेशन लगाई हुई है लॉ के अंदर। लिमिटेशन है कि पब्लिक ऑफिसर अगर जब तक आपको जान जाने का खतरा ना हो या आपको एक ऐसी चोट जिसे आपकी कोई हड्डी या आपकी सीरियस किस्म की चोट पहुंचने का खतरा ना हो, ठीक है, उनको यानी कि अलाउ किया हुआ है पब्लिक ऑफिसर को, वो आपको हार्म दे सकते हैं, लेकिन आप सेल्फ डिफेंस तब भी करेंगे अगर पुलिस ऑफिसर ज़्यादा वायलेंस करता है, वो आपके ऊपर वो लाइक यू नो आपको शूट कर रहा है आपकी टांग पे या फिर आपको वो लाठी से पकड़ के मारी जा रहे तब आप उसकी लाठी पकड़ के फिर उसको पकड़ के मारें या जो मर्जी करें, तब आप राइट ऑफ आपका तब सेल्फ डिफेंस आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, जब आपको कोई लगे कि मुझे अब बहुत ही सीरियस चोट पहुंचने लगी है या मेरी जान चली जाएगी, फियर हो तब करेंगे, अदरवाइज नहीं कर सकते। अच्छा जी, एक और एग्जांपल है, इमरान वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। यहां पर है कि एक इमरान था बंदा, उसने साथ वाले गांव पे एक जमीन ले ली और जो वहां के गांव के लोग थे उनको बहुत ही अजीब लगा कि एक अननोन बंदे ने हमारे गांव पे जमीन कैसे ले सकता है। तो जब इमरान उधर गांव में था अपनी प्रॉपर्टी पे, तो गांव वाले सारे लाठियां लेके उसके ऊपर हमला करने के लिए आ गए। इमरान ने क्या किया कि अपने सेल्फ डिफेंस पे, क्योंकि लाठियां लेके वो आ रहे थे, इसका मतलब है कि वो कुछ सीरियस चोट उसको देने वाले थे, तो यहाँ पर फियर ऑफ डेथ भी था और फियर ऑफ सीरियस यानी कि ग्रीवियस हर्ट भी था, तो उसने गोली चला दी, एक बंदा मर गया ऑन द स्पॉट। अब क्या हुआ कि गांव वाले भागने शुरू हो गए, यहां पर जब वो भागे अटेम्प्ट खत्म हो गए, अटैकर की अटेम्प्ट खत्म हो गई, अटैकर भाग रहे हैं, यहां पर राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस भी खत्म हो गया है। इमरान गया पीछे पीछे, उसने जाके दो बंदे और मार दिए, ये उसका मर्डर कमिट हुआ है, ठीक है, उसने ये मर्डर किया है, ये राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस नहीं है, राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस बस उधर तक ही था। तो यहां पर बट इफ एक्टिंग विदाउट इन गुड फेथ, अगर तो पुलिस वाला अच्छी नीयत से काम नहीं कर रहा, वो अपने ऑफिस टाइमिंग पे है, ऑफिस ड्यूटी पे अंडर द कॉलर ऑफ हिज ऑफिस काम कर रहा है, उसे यूनिफॉर्म भी पहना हुआ है, वो ऑफिस अपने ऑफिस टाइमिंग पे भी है, लेकिन विदाउट गुड फेथ काम कर रहा है, अगर फॉर एग्जाम्पल इंस्पेक्टर फायर टू बुलेट्स एट वंस, एक ना आम स्मगलर था, उसको पकड़ने के लिए एक इंस्पेक्टर आया, इंस्पेक्टर ने क्या किया, उसको देखते ही दो ना बुलेट फायर किए,
तो इंस्पेक्टर ऑन ड्यूटी भी था और उसके पास वो, उसको जाहिर सी बात है वो स्मगलर था, उसको पकड़ने ही आया था। लेकिन जो इसका ये एक्ट है ना, वो उसने तो कोई हाथ पे स्मगलर ने ना कोई असला पकड़ा था ना कुछ, उसने आके फौरन दो फायर खोल दिए। तो ये चीज़ विदाउट एक्टिंग इन गुड फेथ है। तो स्मगलर ने क्या किया, वो तलवार पकड़ी और पकड़ के अपने सेल्फ डिफेंस में, क्योंकि यहाँ पर फियर जब आ जाए ना, पब्लिक सर्वेंट जब आपको इतनी फियर दे दें कि आपकी डेथ होने लगी या आपको कोई सीरियस हर्ट या ग्रेवियस हर्ट पहुँचने लगे उसकी तरफ से, देन आप एक्सरसाइज कर लो अपना सेल्फ डिफेंस। तो उसने तलवार पकड़ के उसकी टांग पे मार दी। तो यहाँ पर कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो स्मगलर था उसके पास राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस था, ठीक है, क्योंकि उधर डेंजर और फियर ऑफ उसकी डेथ थी, इसकी वजह से वहां पर उसका जो राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस है वो उसी वक्त ही एक्टिवेट हो गया था पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ ही। अच्छा, आगे है एक्टिंग विदाउट इन गुड फेथ, एक्टिंग नॉट अंडर कॉलर ऑफ हिज ऑफिस। अब मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ, एक्टिंग नॉट अंडर कॉलर ऑफ हिज ऑफिस, पहले गुड फेथ की दी है कि वो यूनिफॉर्म पे था, ठीक है, ऑन ड्यूटी भी था, लेकिन गुड फेथ नहीं था उसका, वो बिला वजह गोलियां चला रहे हैं, बिला वजह पकड़ के मार चुके हैं, और वो गोलियां या फिर वो जो मार है वो इतनी कोई सीरियस किस्म का फियर है कि उससे आपकी डेथ होने लगी है, इंस्टेंट डेथ, या आपको कोई ग्रेवियस हर्ट पहुंचने लगा है, तब अपना राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस एक्सरसाइज कर दो उस पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ। नंबर टू पॉइंट अब मैं आपको बताता हूँ, एक्टिंग नॉट अंडर कॉलर ऑफ हिज ऑफिस। एक एग्जाम्पल है, ये केस लॉ था 1947 लाहौर, the police enter the accused house at night to arrest him, the accused did not recognize them as the police and fire at them। जो police officer थे वो रात के time ना एक मुल्ज़िम के घर आए उसको arrest करने के लिए, but police officer off duty थे, not acting under the collar of his office, ऑफ ड्यूटी थे, और उसने उनको पहचाना ही नहीं कि वो उनको, उसको समझ नहीं आई कि ये पुलिस ऑफिसर है, उसको लगा कोई ट्रेसपास कर रहा है, कोई डाकू आ गया, कोई चोर आ गया, उसने फायर कर दी उनके ऊपर। और इस केस पे कोर्ट ने हेल्ड किया, इफ द पब्लिक सर्वेंट हैज अ डिफरेंट यूनिफॉर्म हिज पोजिशन वुड बी नॉन टू द अदर, इन सच सरकम Chances, there is no right of private defense for the act of the public servant। यहाँ पर अगर कोई public servant off duty कोई act करता है, not under the collar of his office, ठीक, तो आप उसके खिलाफ right of self defense exercise करें। मतलब ये कि मैं अगर एक police officer हूँ, मैं uniform पे नहीं हूँ और मैं आ जाऊँ आपको कहूँ आओ मैं तुम्हें अरेस्ट करता हूँ और मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, मैं तुम्हें लेके जाऊँगा, ऑल दो आपको पता है कि ये मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, बट लेकिन मैं वर्दी में नहीं, मैं आपको अरेस्ट ही नहीं कर सकता, ठीक हो गया। विदाउट यूनिफॉर्म कोई भी बंदा, आम बंदा भी, मैं, आप, आपका हमसाया, विदाउट यूनिफॉर्म कोई पुलिस ऑफिसर या मैं, कोई भी बंदा, ये अंडर सेक्शन 43 CRPC, ये एक राइट दिया है लॉ ने एक हर बंदे को, ठीक है, कि वो किसी बंदे को भी अरेस्ट कर सकता है, लेकिन दो कंडीशन है उसकी, वो अगर दो कंडीशन फुलफिल होती हैं तो आप अरेस्ट किसी को भी कर सकते हैं, या पुलिस ऑफिसर विदाउट ड्यूटी आपको तब अरेस्ट कर सकता है, या आप भी किसी को अरेस्ट कर सकते हैं। ये सेक्शन 43 CRPC का है, ये दो कंडीशन तब है, या प्रो क्लेम क्रिमिनल हो कोई, दूसरा ये है कि उस टाइम आपने कोई ऑफेंस कमिट किया हो,
कोई सीरियस कम ऑफेंस मतलब के मर्डर रेप, उसके अलावा सीरियस ऑफेंस जिसकी सजा 3 साल से ज़्यादा होती है, जिसकी पनिशमेंट 3 साल, ऐसा ऑफेंस जिसकी पनिशमेंट 3 साल से ज़्यादा है आपने वो कमिट किया हो, अभी कमिट किया हो, तब वो आपको पकड़ सकते हैं, वो डाउट वर्दी, तब तो मैं भी आपको पकड़ सकता हूँ, तब तो आप भी किसी को पकड़ सकते हैं, सही। ये एक रीज़न है। दूसरी, प्रो क्लेम क्रिमिनल अगर हो तब, आमतौर में यूँ नहीं हो सकता कि पुलिस ऑफिसर आया आपके पास और विद यूनिफॉर्म और विदाउट यूनिफॉर्म और आपको के चलो थाने, आप उसे पूछें कि ग्राउंड्स क्या हैं, क्यों चलूँ, मेरे खिलाफ कोई पर्चा कटा है, मेरे खिलाफ कोई FIR कटी है, मैं जाऊँ क्यों, आप ग्राउंड्स पूछें, मेरा FIR के अंदर नाम है या नहीं है, आप ये भी पूछें, सही है, आप पूछें, या मैंने ऑफेंस कोई ऐसा ऑफेंस किया है कि जिसकी सजा 3 साल से ज़्यादा है, तब वो आपको अरेस्ट कर सकता है, जिस क्राइम की सज़ा लेस देन 3 ईयर है वो आपको अरेस्ट नहीं कर सकता, उसको जाना पड़ेगा मजिस्ट्रेट के पास, अरेस्ट वारंट वहाँ से निकालने पड़ेंगे। ये एक पॉइंट, ये बाकी टॉपिक में सारा सेपरेट डिस्कस करूँगा। यहाँ पर 2 चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है। पहली चीज़ ये है, अ पर्सन इज नॉट डिप्राइव्ड ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इन केस एन एक्ट डन और अटेम्प्ट टू बी डन बाय पब्लिक सर्वेंट हैज सच अनलेस ही नोज और हैज रीजन टू बिलीव दैट द पर्सन डूइंग द एक्ट इज सच पब्लिक सर्वेंट। मतलब ये कि उसको पता ही नहीं होता कि जो अटैकर है वो पब्लिक सर्वेंट है, तो इस केस में वो अपना राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस एक्सरसाइज कर सकता है। और दूसरे केस पे, अ पर्सन इज नॉट डिप्राइव्ड ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन एक्ट डन और अटेम्प्ट टू बी डन बाय द डायरेक्शन ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट अनलेस ही नोज और हैज रीजन टू बिलीव दैट द पर्सन डूइंग द एक्ट इज एक्टिंग बाय सच डायरेक्शन और अनलेस सच पर्सन स्टेटेड द अथॉरिटी अंडर विच ही एक्ट्स और इफ ही हैज अथॉरिटी इन राइटिंग अनलेस ही प्रोड्यूस सच अथॉरिटी इफ डिमांडेड। मतलब ये कि उसको पता ही नहीं होता है कि जो अटैकर है वो किसी पब्लिक सर्वेंट के ऑर्डर्स या इंस्ट्रक्शन पर काम कर रहा है, तो ऐसे में राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस मिलेगा। और अगर तो वो पब्लिक सर्वेंट बताता ही नहीं है, रीज़न भी नहीं बताता और कि वो किस अथॉरिटी के अंडर काम कर रहा है, और ना कोई रीज़न बताता है, ना कोई राइटिंग दिखाता है, इवन के उससे पूछा भी जाता है और वो नहीं दिखाता, तो तब अपना आप राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस एक्सरसाइज कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब एंड टर्न योर नोटिफिकेशंस ऑन।